हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केमी मेडवेडिस्टा। तो भाइयों और बहनों, भाई बिड लग चुकी है। पूरा एक साल दो साल इंतजार करने के बाद फाइनली हम मेडवेडिस्टा थोड़ा खुश हो सकते हैं, क्योंकि एम्बाप्पे पर हाथ जमाने वाली है अपना रियल मेड्रिड। तो आज की वीडियो में देखेंगे यार उसकी डिटेल्स कि 160 मिलियन की बिड रखी और पीएसजी अपना जो फैसला था एम्बाप्पे को ना छोड़ने का वो कैसे चेंज कर सकती है, क्या चांसेस है, या फिर एम्बाप्पे अगले सीजन ही आएंगे उसके हम प्रेडिक्शंस करेंगे। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ ही ये टेरिस पे वीडियो बना रहा हूँ, पीछे का सीन तुमको दिख रहा होगा सूरज का, लेकिन शायद से छुप गया बादलों की वजह से। क्या करे यार, थोड़ी देर पहले आया था। छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंफर्म है या नहीं, क्या एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में ही आने वाले हैं या फिर कोई और क्लब भी उन्हें चेस कर रहा। तो सीधी सीधी बात है भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रियल मैड्रिड को एम्बाप्पे पसंद है, एम्बाप्पे को रियल मैड्रिड पसंद है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और 100% एम्बाप्पे अगर पीएसजी से छूटे इस ट्रांसफर विंडो के आखिरी के 5 दिन चल रहे हैं भाई, 31 अगस्त या 30 अगस्त लास्ट डेट है ट्रांसफर विंडो की, तो यार एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में ही आएंगे। कोई और भी एक प्रीमियर लीग का क्लब था रेस में, लेकिन फिर वो बाद में निकल गया, उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। तो यार एम्बाप्पे अगर निकले तो आएंगे तो 100% रियल मैड्रिड में ही। उन्होंने पीएसजी की तरफ से 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफर रिजाइन किया भाई, नहीं चाहिए मुझे और कॉन्ट्रैक्ट, नहीं चाहिए भाई, नहीं रुकना चाहता मैं, मुझे जाना है रियल मैड्रिड में। तो बस भाई वही बात हो गई, अब अगर निकले तो रियल मैड्रिड में ही आएंगे, ये बात तो कन्फर्म हो गई। आगे की बात करते हैं, क्या चल रहा है भाई कॉन्ट्रैक्ट में, क्या हो रहा है, मतलब यार ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, आगे चलो देखते। देखो सबसे पहले रियल मैड्रिड ने $160 मिलियन की बिड लगाई है भाई एम्बाप्पे के लिए, पीएसजी से उसको लेने के लिए। पीएसजी को कहा भाई हम तुमको $160 मिलियन देंगे, हमको एम्बाप्पे दे दो भाई जल्दी से, जबकि 6 महीने बाद और एक ट्रांसफर विंडो है 2022 की, वहां रियल मैड्रिड में वो फ्री में आएंगे। जी हाँ, फ्री एजेंट बन के आएंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है बंदे का वहां पे पीएसजी से, तो वो साइन तो और आगे करने वाले हैं नहीं, उन्होंने कह दिया है मैं रियल मैड्रिड ज्वाइन करूंगा। तो अगर रियल मैड्रिड और 6 महीने रुक जाएंगी तो वो फ्री में मिल जाएंगे रियल मैड्रिड को। लेकिन आप देख रहे हो किस तरीके से फ्लोरेंटो पेरेस तड़प रहे हैं भाई, किस तरीके से कि 6 महीने और रुक नहीं सकते भाई, अभी इसको दे दो हमको 160 मिलियन हम तुमको दे देते हैं। और यही वजह है कि पीएसजी सोचेगी उसको छोड़ने के लिए। देखो यार अभी 160 मिलियन की बिड लगाई है जो कि रिजेक्ट हो गई है, उनके प्रेसिडेंट ने कहा है मैं एम्बाप्पे को रुकाना चाहता हूँ। उनके प्रेसिडेंट ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उनका प्रेसिडेंट चाहता है कि मैं एम्बाप्पे के इर्द गिर्द, मतलब उनके साइड में फ्यूचर बनाऊँ अपनी टीम का। एम्बाप्पे 22 ईयर्स ओल्ड है, एम्बाप्पे 22 ईयर्स ओल्ड है और वो चाहते हैं कि पीएसजी का फ्यूचर बने वो। पीएसजी मेरे को देखो यार, पीएसजी के पास एक से एक प्लेयर है, हम जानते हैं अभी क्या साइनिंग्स की है पीएसजी ने, लेकिन उनकी एज देखो तुम। देखो मेसी को उन्होंने साइन किया, मेसी है 34-35 है ना, सर्जियो रेमस तो भाई 36 पर है, 36 चल रहा है सर्जियो रेमस का। दोनों रमा एक है जो 22 साल के है, यंग है, अच्छे गोलकीपर है, वो एक अच्छे है। वाइनाल्डम को देख लो, उनकी एज भी ज्यादा है, नेमार 29 के हो गए। तो यार यहाँ पर एज बढ़ती हुई तुमको दिख रही है उनके क्लब में, तो इसलिए उनका प्रेसिडेंट चाहता है कि मैं कोई यूथ टीम बनाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई एम्बाप्पे पीएसजी से ही खेले, नहीं जाने देना मुझे उसे रियल मैड्रिड में, पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था। लेकिन अब पीएसजी का स्टेटमेंट कैसे चेंज हो सकता है, क्यों प्रोबेबिलिटी है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यार, रियल मैड्रिड ने 160 मिलियन की बिड लगाई, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब अगर रियल मैड्रिड और एक बिड लगाती है तो वो लास्ट चांस है भाई साहब इस ट्रांसफर विंडो में साइन करने का एम्बाप्पे को। देखो अगर यहां पर रियल मैड्रिड अभी बिड लगा रही है तो पीएसजी को पैसा मिलेगा, मतलब रियल मैड्रिड ने अभी 160 मिलियन की बिड लगाई थी, अब अगर फिर से लगाता है फ्लोरेंटो पेरेस बिड 170 की पकड़ लो या 180 की अगर ज्यादा करके लगाता है तो पीएसजी को पैसा मिलेगा, वरना अगले ही सीजन अगले ही साल एम्बाप्पे फ्री में आएंगे भाई, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी पीएसजी को, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी भाई, एक पैसा नहीं मिलेगा पीएसजी को। तो तुम लोग सोच रहे हो फ्री में इतने अच्छे, जाना तो है पक्का हो गया है रियल मैड्रिड ज्वाइन करूंगा, अगर फ्री एजेंट बन गया तो 100% रियल मैड्रिड ज्वाइन करूंगा। तो अगर तुम अभी उस बंदे को जाना ही चाहता है, वो उसको भेज रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो आपका फायदा हो रहा है ना भाई, पैसे आ रहे हैं ना आपके पास। लेकिन अगर अगले सीजन वो गया तो फ्री में जाएगा,
आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली पीएसजी को अगर अगले सीजन एम्बाप्पे आए तो। समझ रहे हो आप तो यार ये हो सकती है वजह जिसकी वजह से पीएसजी का प्रेसिडेंट भाई अपना फैसला बदल दे कि नहीं यार कसम से अब तो मुश्किल पड़ रही है, पैसे भी आएंगे और वो तो जाना ही चाह रहा है। लेकिन भाई इतना आसान नहीं है, बिड रिजेक्ट हो गई है और हम देख सकते हैं कि रियल मैड्रिड बहुत तड़प रही है साइन करने को एम्बाप्पे को। फ्राइडे को शायद से रियल मैड्रिड और एक बिड लगाने वाली है। भाई वहां पर कतर की फैमिली में दंगल मच गया भाई एम्बाप्पे को छोड़ती थी, तुम लोग देख रहे हो क्या ट्वीट किया वाके कतर की रॉयल फैमिली के बंदे ने गोल्फर के साथ, बेइज्जती, गंदी वाली बेइज्जती। आते हैं दूसरे ट्रांसफर पे भाई, वो भाई क्या हो रहा है भाई फुटबॉल की दुनिया में, क्रिश्चियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर के ट्रांसफर में भाई दंगे चल रहे हैं, दंगे अलग ही। कोई भी क्लब ने जुवेंटस को अप्रोच नहीं किया है, जुवेंटस रोनाल्डो को रोकना चाहती है, रोनाल्डो जुवेंटस छोड़ना चाहते हैं। अब देखो यार रूमर चल रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ कि अगर पोटेंशियल साइनिंग्स होगी और एक हैरी केन को वो लोग नहीं ला पाए, हैरी केन ने कंफर्म कर दिया है कि वो रुकेंगे टोटनहम हॉटस्पर में, तो वो रोनाल्डो को साइन कर ले। लेकिन एम्बाप्पे और रोनाल्डो की साइनिंग्स लिंक्ड हो सकती है, अभी सुनो कैसा। एम्बाप्पे पीएसजी छोड़ रहे हैं, एम्बाप्पे पीएसजी छोड़ रहे हैं, पीएसजी 100% कोई ना कोई फॉरवर्ड ढूंढेंगे, माउरो इकार्डी है उनके पास। लेकिन हम रोनाल्डो मेसी को एक टीम में खेलते हुए देख सकते हैं भाई साहब, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। क्योंकि जब एम्बाप्पे पीएसजी छोड़ रहे हैं तो 100% पीएसजी साइनिंग्स करना चाहती है। और भाई तुमको तो पता है रोनाल्डो के साथ पहली रूमर्स आ गए थे पीएसजी के, बहुत पहले आ गए थे, जब मेसी ने पीएसजी ज्वाइन किया तभी रूमर्स आ गए थे। तो क्या हम ये दोनों लेजेंड्स को एक क्लब में खेलते हुए देख पाएंगे, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन ज़्यादातर पीएसजी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ले रहा रोनाल्डो को साइन करने में, मतलब कोई ज़्यादा क्लब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो शायद से रोनाल्डो रुकेंगे। लेकिन रोनाल्डो ने उनके इंस्टाग्राम पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला था भाई, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट डाला था कि क्यों भाई मेरा नाम इतना क्यों उछाला जा रहा है मीडिया में, मतलब क्या भाई मैं ऐसी हूँ क्या, नल्ला हूँ क्या, कहीं भी मेरा नाम बोल दो ट्रांसफर में, इधर जुड़ा दो उधर जुड़ा दो, मैं इस पे साइलेंस ब्रेक करता हूँ। लेकिन आपको पता है जो पहला गेम सीरी ए का जुवेंटस ने ड्रॉ खेली, रोनाल्डो का बैड लगता उसमें, आखिरी मिनट पे गोल मारा लेकिन ऑफ साइड गोल था, आपको तो पता है। तो उस गेम में कहना यह है कि रोनाल्डो ने ही कहा था कि मुझे बेंच पे बिठाओ, क्योंकि रोनाल्डो उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं अगर आगे कोई क्लब को ज्वाइन करेंगे तो। तो भाई साहब देखो रोनाल्डो छोड़ना चाहते हैं लेकिन रोनाल्डो को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और जुवेंटस कह रहा है कि हम रोनाल्डो को रुकाना चाहते हैं। झमेला है भाई, पूरा झमेला है, वो तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा रोनाल्डो छोड़ेंगे या नहीं, या फिर कौन सा क्लब उन्हें खरीदता है। प्रीमियर लीग क्लब्स उनके साथ लिंक्ड है लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, पीएसजी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफ़र पीएसजी के साथ हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है भाई, इतने सारे ट्रांसफर लाया फ्री में, रोनाल्डो को भी ला ले, रोनाल्डो मेसी एक ही टीम में सब खत्म। और अगर एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में आ रहे हैं तो वो तो आ रहे हैं, लेकिन ये सीजन आएंगे अगले सीजन कहना मुश्किल है, अभी तो आखिरी बिड बाकी है, उसके बाद ही फैसला होगा भाई कि एम्बाप्पे आएंगे या जाएंगे, अब तो पता नहीं कुछ। यार देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर वीडियो यहाँ तक के देखिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट में मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है रोनाल्डो की और एम्बाप्पे की कहाँ जाने की, क्या एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में आ जाएंगे और रोनाल्डो पीएसजी ज्वाइन कर लेंगे, अगर ऐसा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर तुम लोग वहाँ होते तो तुम लोग क्या करते। भाई साहब कमेंट सेक्शन पूरा तुम्हारा है, वहाँ पर तुम लोग कुछ भी करो लेकिन मुझे बताओ वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या चाहिए सब बताओ मुझे कमेंट्स में। शेयर करना मत भूलना अपने फुटबॉल फैंस के साथ, फुटबॉल वाले दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो यार। मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्विटर की भी है, जाओ मुझे वहाँ फॉलो करो, मैं वहाँ फुटबॉल कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ आए दिन बहुत सारा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं यार, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाला मद्रिद।